हेडलाइंस के बाद बात करेंगे खबरों की। तो सबसे पहली खबर बीजेपी से। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में भूपेंद्र यादव भी मौजूद हैं और आपको बता दें कि वर्चुअल माध्यम से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस मीटिंग में जुड़े थे। जेपी नड्डा ने बैठक में पीएम केयर वैक्सीन समेत कई विषयों पर संबोधित किया, तो रविशंकर प्रसाद, नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं। पटना स्थित पार्टी कार्यालय में चल रही बैठक में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी मौजूद हैं। बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि सभी जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, सांसद, विधायक और कार्य समिति के सदस्य वर्चुअली जुड़े हैं। कोई इस देश में बिना वैक्सीनेशन के न रह जाए, ये योजन हमको करना है और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे एमपी, हमारे मिनिस्टर, हमारे स्टेट मिनिस्टर्स, हमारे एमएलएस, हमारे जिला परिषद के सदस्य, हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य, सबके लिए सप्ताह में दो बार किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर वहां के कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना, ये हमारा काम होगा। यह हमको हर सप्ताह दिसंबर तक करना है ताकि एक भी व्यक्ति इससे छूट ना जाए और हमारा बूथ कोरोना मुक्त हो जाए और वैक्सीनेशन युक्त हो जाए। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा, इसके लिए हमको जुड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड के तहत इसके लिए आपको पैसे आवंटित किए हैं और 1500 पीएसए प्लांट्स लगने हैं, तो उसमें भी हम अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेंगे। जहां तक बिहार के ऑक्सीजन का सवाल है, 11 ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट्स आपके पास थी, जो बढ़ करके अब 119 ऑक्सीजन प्लांट्स अभी हो गई हैं। आपके सेकेंड फेज के कोटा में आपको पर डे 400 मेट्रिक टन बिहार को दिया जा रहा है और इसी तरीके से 115 मेट्रिक प्लांट्स लगने हैं बिहार में, उसमें अभी 71 प्लांट्स अभी सेटअप हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह जो 71 प्लांट लग रहे हैं, इस प्लांट्स को हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करें कि ये समय रहते अपने लग जाएं और ऑक्सीजन की आगे आने वाले समय में कोई कमी ना रहे, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, कई मुद्दों पर यहां पर मंथन हो रहा है और बिहार के ब्यूरो चीफ रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। और रजनीश, कितनी महत्वपूर्ण मीटिंग है, कौन कौन से मुद्दे हैं और अब तक किन बातों पर चर्चा हुई है? देखिए, बिहार प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे बाजू में जो ये अटल सभागार है इसमें करीब करीब 100 लोग जो हैं यहाँ पे वो एक्चुअली उपस्थित हैं और 300 से ज़्यादा लोग वर्चुअली इस जो बैठक है इससे जुड़े हुए कार्य समिति के। साथ ही साथ दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जो हैं वो जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर भी तमाम बड़े नेता, पार्टी के जो बिहार प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव हैं उनकी उपस्थिति इस सभागार में है। सुशील मोदी और तमाम जो बड़े नेता हैं पार्टी के, दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और साथ ही साथ जो बिहार सरकार के बीजेपी कोटा से जो मंत्री हैं और जो कार्य समिति के सदस्य हैं उनकी उपस्थिति है। और काफ़ी अरसे बाद जो संक्रमण काल रहा उसके बाद कह ले कि पहली बार है कि कोई बड़ा आयोजन जो है वो पार्टी कार्यालय में हो रहा है। थोड़ी रौनक भी है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। तमाम पहलुओं पे जो प्रारंभिक उद्बोधन हुआ, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की अध्यक्षता में जब बैठक शुरू हुई उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और तमाम बातें अपनी ओर से रखी जिसमें जन कल्याणकारी बातें, और साथ ही साथ इस संबोधन राष्ट्रीय अध्यक्ष का जेपी नड्डा का हुआ दिल्ली से। उन्होंने जिस तरीके से योजनाएं चलाई गई है खासतौर पर कोरोना संक्रमण काल में उसका उन्होंने जिक्र किया और तमाम जो योजनाएँ हैं कल्याणकारी जो बातें हैं उसका उन्होंने जिक्र किया और किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता उन बातों को लेकर दूरदराज के हिस्सों में जाएं, जागरूकता अभियान चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात हो और इसके अलावा दूसरी सुविधा साधन की बात हो, तो ये प्रारंभिक उद्बोधन था। और उसके बाद दूसरा सत्र जो है अभी
वो तकनीकी, राजनीति और आंतरिक जो संगठन की बातें हैं उसकी शुरुआत हुई है। तो बहरहाल पहली बातें जो है वो तो सार्वजनिक था, सब लोगों ने सुनी कि किस तरीके से जेपी नड्डा और राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी बातों को रखा है, संगठन को मजबूती से लेकर राजनीति के इतर समाज कल्याण को लेकर और कई सारी जो बातें हैं या योजनाएं हैं, किस तरीके से पार्टी ने संक्रमण काल में काम किया है, इन बातों को लेकर। लेकिन आंतरिक क्या कुछ बात है जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पे बीजेपी के निखिल आनंद हैं, उनसे हम जानते हैं जो तमाम कल्याणकारी बातें हैं जिसका जिक्र किया गया, कई राजनीतिक कटाक्ष भी हुए विपक्ष पर, जो अंदरूनी अब जो सेशन है बात है उसमें क्या कुछ खास है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन और विचारधारा की बुनियाद पर राजनीति करती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी, जेपी नड्डा जी ने अपने उद्बोधन में स्पष्ट किया कि हमारा काम सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं, समाज सेवा के माध्यम से जनता के बीच जनहित के काम करना, राष्ट्रहित के काम करना भी हमारा परम कर्तव्य है। और हमने जिस तरीके से कोविड की चुनौतियों के बीच जिस तरीके से भूमिका निभाई है, जमीनी धरातल पर काम किया, ये बातें तो निखिल जी ये बात तो हुई, उन्होंने बताई है, लेकिन अब जो सेशन है तो क्या आने वाले समय में पार्टी किस तरीके से चुनाव को लेकर या गतिविधियों को लेकर या संगठन को लेकर उसमें क्या कुछ दिशा दशा तय होगी? एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 राजनीतिक सामाजिक कार्य करती है और अभी जो सेशन है निश्चित तौर पर कुछ पॉलिटिकल रिजोल्यूशंस होंगे। इसके अलावा जो कोविड के दौर में जो बड़े देश की कई हस्तियां जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के, विभिन्न कला संस्कृति के क्षेत्र के जो अब नहीं रहे, उनके लिए शोक प्रस्ताव भी अभी पढ़ा गया है, मौन रखा गया है सभी सदस्यों ने, और पूरे बिहार में हम एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कोविड की चुनौती से हम कैसे निपटे, उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है और आने वाली राजनीति के लिए जो समाज सेवा और राजनीति का जो एक रेयर कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किया है, ये तो कोरोना से कैसे निपटे इसको लेकर है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी से, केंद्र में कांग्रेस और यहाँ आरजेडी से कैसे निपटे इसको लेकर भी बातें हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, एनडीए की सरकार जिस तरीके से चल रही है, बिहार में जिस तरीके से चल रही है, हम कांग्रेस को कोई राइवल मानते ही नहीं, और जिस तरीके की राजनीति कांग्रेस कर रही है कोरोना के दौर में वो बिल्कुल ही हास्यास्पद है। सेम पैटर्न पे राजनीति यहाँ पर आरजेडी कर रही है, और ऐसे कहें तो तेजस्वी यादव राहुल गांधी के, वो एक जूनियर राहुल गांधी की भूमिका में है जिस तरीके से वो नदारद रहते हैं, और तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं, बार बार जो दूसरी पार्टी के नेताओं को आमंत्रण दे रहे हैं, तो स्पष्ट कहते हैं कि काम करते हैं करने नहीं देते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं इजाजत नहीं देते हैं, क्षेत्र में जाते हैं उनको कुछ करने नहीं देते हैं। नहीं, ये उनका एक जिस तरीके से हास्यास्पद राजनीति कर रहे हैं, वो ट्वीट करके सिर्फ प्रोपेगेंडा खड़ा करके राजनीति कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कोविड की चुनौती के दौर में सरकार जितनी भूमिका निभा रही है, सरकार जितना कुछ कर रही है, और यूनाइटेड नेशंस ने भी हमारी प्रशंसा की है कि हमने सिर्फ पेंडेमिक चुनौतियों को ही नहीं टैकल करने की कोशिश की है, इकोनॉमिक चुनौतियों को भी से भी हमने देश को उबारने की कोशिश की है। और ये प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है इस देश के स्तर पर, वो दुनिया भर में वो उसकी प्रशंसा हो रही है, जो कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के जो जितना बड़ा काम किया जा रहा है, 140 करोड़ के आसपास आबादी है इतने बड़े देश में, जो डबल वैक्सीनेशन की चुनौतियां हैं उससे हम बखूबी निपट रहे हैं। और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में भी कहीं वो जमीन पे नहीं नजर आए। दूसरी ओर वो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं, उन्हें बधाई और शुभकामना भी दे रहे हैं कि अभियान को लेकर वो दूर दराज के जगहों पर गए हैं। तो एक तरीके से कहें कि जो यहाँ पे किया जा रहा है, जो कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, जो रणनीति है, तो किस तरीके से चीजें हैं और केंद्र सरकार की क्या कुछ नीतियां और योजना है उसको लेकर तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनता के बीच में जाएं, ये बातें यहाँ पे कही जा रही है। साथ ही साथ निश्चित तौर पे जो राजनीतिक बातें हैं वो भी कुछ यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है वो लिया जाएगा, और अब बंद कमरे में कवायद पूरी हो रही है। इससे पहले जो उद्घाटन सत्र था वो सार्वजनिक था, जो बातें थी वो स्पष्ट तौर पे सामने निकल कर आई किस तरीके से बातों को रखा गया है, और अब बंद कमरे में अंदर खाने जो है मंथन की बात है।
और यहाँ से जो दिशा दशा तय होगी आगे राजनीति को लेकर, वो बातें और कुछ जो बातें रखने लायक होगी वो 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आयोजित किया गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल तमाम सारी बातों को लेकर रूबरू होंगे। और इस बीच अभी मंथन का दौर यहाँ पे जारी है और तमाम सारे लोग, कुछ लोग एक्चुअली और बाकी वर्चुअली लोग जुड़े हुए हैं और बैठक जो है वो चल रहा है। जी बिल्कुल रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका, नज़र बनाए रखिए आप मीटिंग पे, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो खबर यह है कि 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बीजेपी दफ्तर में और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल प्रेस को बताएंगे कि आखिर जो प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग है उसमें क्या फैसले लिए गए, क्या कुछ निकल कर उससे सामने आया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झारखंड की। आपको बता दें कि झारखंड में TSC की बैठक कल होगी। तो नई सरकार बने हुए 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन इस बीच यहाँ पर TSC की मीटिंग नहीं हो पाई और इस बीच बड़ी खबर यह है कि TSC की बैठक कल होगी। TSC की इस बैठक को लेकर विधायक बंधु तिर्की ने कहा है कि लंबे अरसे के बाद TSC की बैठक हो रही है, इसमें पिछली सरकार में लिए गए फैसलों की समीक्षा होगी, साथ ही सभी सदस्यों को नई नियमावली से अवगत करवाया जाएगा। आपको बता दें कि 22 जून को झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन किया था, जिसमें आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, पदेन